और बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बागेश्वर की हार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया। करण महारानी बीजेपी पर चुनाव में पूरे प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं डेंगू के मामले को लेकर करण महारानी कहा कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, अस्पतालों की हालत खस्ता है, फॉगिंग नहीं की जा रही है, जबकि नगर निगम को हर महीने 40 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अतिक्रमण के मुद्दे पर भी बात की है। बागेश्वर से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। डेंगू में सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, वो उसने लोगों को अपने हालात पे छोड़ दिया है। 40 लाख रुपया फॉगिंग के लिए नगर पालिका को दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी मोहल्ले में फॉगिंग होते हुए नहीं देखी जा सकती। जगह जगह सड़कें खोद दी हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, जिनमें पानी भर रहा है और जिससे डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। 12 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा अभी नहीं आया है। और 1100 से ज़्यादा मरीज पूरे प्रदेश में इस समय हैं, जिसमें अकेले देहरादून में 900 से ज़्यादा मरीज देहरादून में हैं।